कौन कहता है फेयरिंग वाली बाइक लद्दाख एंड स्पीति वैली में नहीं चल सकती है। मेरी बाइक ने नाले तो क्या रिवर भी क्रॉस कर ली थी। जो बाइक से आप कंफर्टेबल हैं, जो बाइक आप संभाल सकते हो, वो बाइक लेके जाओ। सिर्फ शो ऑफ के लिए बड़ा सा हाथी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वी हैव रीच्ड टैबो मॉनेस्ट्री एंड इट इज़ गुड बट दैट ग्यू मॉनेस्ट्री इज़ बेटर। या दे आर कंस्ट्रक्टिंग इट एंड टैबो मॉनेस्ट्री इज़ हियर कैन सी यस देयर इट इज एंड विल शो यू द मॉनेस्ट्री। सुनो भाई मुकेश भाई, किसी भी मॉनेस्ट्री में जाओ तो यहाँ के मॉन्क्स से आप कन्वर्जेशन ज़रूर करो। इस वीरान जगह में आपको लाइफ के बहुत सारे लेसन्स मिल जाएंगे। देखो जाओ देखो, इस वीराने में आपको कोई पहचानने वाला नहीं है। रोड पे डांस करने का अलग ही मज़ा है। और कहीं पे भी चले जाओ फोटोग्राफी के लिए तो बहुत सारे स्पॉट्स यहाँ पे मौजूद है। एक्चुअली टैबो मॉनेस्ट्री से काजा का जो रूट था वो पूरा मेरा हार्ड डिस्क करप्ट हो गया है, वो नहीं, पर मैं आपको स्पीति का जो रास्ता है वही दिखा रहा हूँ अभी। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी इसलिए मैं ये आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। देख लिया आपने, ये लोकल कभी रुकेगा नहीं। और यहाँ पे लोकल ट्रक ड्राइवर से, लोकल जो टैक्सी वाले हैं या लोकल जो भी कार लेके घूमते हैं बंदे, उनसे आप थोड़ा बच के रहिए। बिकॉज ये लोग पता नहीं क्यों आपको गिराने के फिरात में रहते हैं कि आपको गिरा दे, परेशान करे। इन लोगों से कभी भी बहस में मत पड़िएगा क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की यूनिटी बहुत रहती है। अगर आप किसी एक बंदे के साथ बहस में हो गए, कभी भी कोई भी साइड क्यों नहीं दिया, होटल में गए हो तो भी आराम से पेश आओ, वहाँ पे अपना ईगो को छोड़ के जाओ। आप वहाँ पे रिफ़्रेश होने के लिए गए हो, ना कि किसी से पंगा करने के लिए गए हो। तो यूनिटी बहुत है इनकी, एक बंदा आपसे बहस करेगा, चार पांच लोग आ जाएंगे आपको फ्री में मारने के लिए। हाँ जी, तो भैया अगर आप काजा जा रहे हैं तो अपनी कार या बाइक में पेट्रोल या डीजल जो भी आपको फिलिंग करवाना है वो इवनिंग में ही फिलिंग करवा लीजिएगा। बिकॉज मॉर्निंग में यहाँ का जो गैस स्टेशन है वो 9:30-10 बजे तक ओपन होता है। एंड हाँ, अगर करंट नहीं रहा तो आपको एक दिन यहीं पर वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब जब तक करंट नहीं आता है तब तक आपको यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। मेरी सलाह यही है कि जैसे ही आप पहुँचते हैं काजा में तो अपनी टंकी फुल करवा लीजिए। सो वी आर एट की मॉनेस्ट्री एंड दिस इज द मॉनेस्ट्री बट इट इज क्लोज नाउ। इट इज क्लोज फॉर जस्ट 5 मिनट्स। आई डोंट नो व्हाई दे हैव क्लोज्ड बट आई आस्क अ मॉन्क एंड ही सेड इट इज क्लोज फॉर 5 मिनट्स। So we guys are waiting here. Arun bhai is here. Mukesh bhai is here. Hi. Hello. So आज सुबह से जो हुआ है वो ऐसा है कि सुबह 5 बजे यहाँ खुल गई थी। Because रात को हम लोग जल्दी सो गए थे, 10 बजे ही सो गए थे। फिर हम लोग अंदर फोटो नहीं है ना सर, अंदर फोटो बिल्कुल नहीं है ना, अंदर फोटो बिल्कुल भी नहीं है। He is opening the door. There is. इट इज़ ओपन नाउ एंड मैं थोड़ा अपडेट अपना रिमाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग सुबह चाय पिए 8 o'clock, जैसे वी टुक बाथ एंड देन वी वेंट टू पेट्रोल पम्प बट इट वॉज क्लोज। 9:30 बजे बोला ओनर ने, कि ओनर नहीं था, कोई और बंदा था, उसने बोला 9:30 बजे खुलेगा। फिर हम लोग उसके पास गए, 9:30 बजे तक वहाँ पे खड़े रहे। ओनर आया और उससे पहले वो बंदा बोल रहा था कि पेट्रोल नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, मतलब आपको एक दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा। बिकॉज इधर 200 किलोमीटर कोई पेट्रोल पम्प नहीं है और उधर 100 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पम्प नहीं है जिस रास्ते से हम लोग आए थे। तो वो तो लॉजिक बनता ही नहीं कि 100 किलोमीटर हम लोग पेट्रोल डलवाने जाएं और 200 किलोमीटर हमारी बाइक जा सके, वो हालत में नहीं थी। तो हम लोग वहाँ पर 9:30 बजे तक वेट किए, ओनर आया, उसने ओपन किया, हमारे आगे 9 बाइक्स थी, हम लोग थे, देन हमारे हम चार और हमारे पीछे लंबी लाइन लगी हुई थी। तब तक तो मतलब बहुत हेक्टिक काम था। ये है की मॉनेस्ट्री। की मॉनेस्ट्री यहाँ के रीजन में, हिमाचल प्रदेश में एंड स्पीति वैली में सबसे बड़ा मॉनेस्ट्री है। यहाँ पे लामास की ट्रेनिंग होती है। स्पीति रिवर के बिल्कुल बाजू में ऑन द हिल, टॉप ऑफ द हिल ये बनी हुई है एंड बहुत ब्यूटीफुल लगता है।
इसकी हिस्ट्री बहुत ट्रेजिक है। 1840s में ये पूरा बर्न हो गया था, पूरा जल गया था, एंड 1975 में ये अर्थक्वेक से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था। बट थैंक्स टू आवर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ये पूरा रिस्टोर कर दिया और लामास को यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छी प्लेस बनाई है ये। तो हमें मौका मिला है कि हम लोग की मॉनेस्ट्री में कावा पी सके, एंड इट्स अ कावा टी, हर्बल टी, मॉन्क्स बनाते हैं, एंड आई थिंक ये अच्छा होना चाहिए। हाउ इज द टेस्ट? गुड। एंड ही इज ऑफरिंग बिस्किट्स आल्सो। ले लें भाई, ले लें, और बाद में ले लो भाई। ओके, हाँ ले लेंगे। थैंक यू। इट इज गुड। This is a Kibber village. This is how Kibber village looks, and if you can see there, actually इसे कहा जाता है कि सब दुनिया के सबसे हाइट पे आया हुआ विलेज है, और वहाँ पे हम लोग बैठे हैं अभी खाना खाने के लिए, और 12 बजे है सिर्फ, और हम लोग खाना खा लेते हैं बिकॉज आगे कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ से आगे कुंजुम पास आएगा और वहाँ पे कुछ हमें वाटर क्रॉसिंग्स भी मिल सकते हैं। सो अभी ये इधर से ही हम लोग अपने आप को पैक करके चलते हैं, आगे चल के पता नहीं खाना मिले ना मिले। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन था बिकॉज अगस्त 2017 में ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ था ब्रिज, एंड जून 2018 में हम लोग गए थे। सो बहुत कम वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद थे यहाँ पे जो लोग गए थे, विंटर में वीडियो देखे हुए थे विंटर के गए हुए लोगों के, बट हमारे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होने वाला था। तो और इस ब्रिज के बारे में कुछ बात आपको बता देता हूँ। ये जो ब्रिज है वो किब्बर एंड चिचम ब्रिज जो विलेजेस है उसको कनेक्ट करता है। एशिया में सबसे बड़ा हाइट पे बना हुआ ये ब्रिज है, और कहीं पे तो मैंने ये पढ़ा है कि वर्ल्ड में सबसे हाइट पे, मतलब ये जो 4000 मीटर के अबव हाइट पे बना हुआ सबसे बड़ा ब्रिज है, लंबा मतलब ऊँचा ब्रिज है ये। जब ये ब्रिज नहीं बना हुआ था तो चंद्रताल एंड आगे जाने के लिए 2-3 घंटे और वेस्ट होते थे, दूसरा रास्ता था। और यहाँ के लोकल्स ने इस जहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है वहीं पे एक रोप वे बनाया था जिससे वो सब कुछ ट्रांसफ़र करते थे। मैंने सुना है वहाँ के लोग ये बोलते थे कि लोग उसमें बैठ के, छोटा सा रोप वे जैसा बनाया था उसमें बैठ के इधर से उधर जाते थे, एंड वो बहुत डेंजरस था बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको नहीं बना, उसको नहीं बनाया था। गवर्नमेंट को ये ब्रिज बनाने में तो 14 ईयर्स लग गए हैं, 14 साल लगे हैं गवर्नमेंट को ये ब्रिज बनाने में। यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि रोप वे से ट्रांसफ़र होना, जो ट्रांसपोर्ट करना चीज़ें एंड खुद को, बहुत मुश्किल काम था वो। ठीक है, अब ये ब्रिज आ गया, आप देख लीजिए कैसा है ये ब्रिज। आसपास की जो चट्टाने हैं, स्पिटी वैली एक्चुअली एक एलियन प्लेस लगता है। आपको लगेगा नहीं कि आप अर्थ पे कहीं पे हैं, आपको लगेगा कि कोई मून का या मार्स का कोई लैंड है ये। एंड स्पिटी वैली बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पे एक बार आना है, बनता है। एंड अब मेरे पास जो भी एक्शन कैमरा की फुटेजेस है स्पिटी वैली से चंद्रताल एंड चंद्रताल से चाचा चाची के ढाबा तक, वो मैं यहाँ अभी वीडियो में चलाऊँगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जितने भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सब दे दी है, अब सिर्फ एक्शन कैमरा की फुटेजेस आप देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और आपका कोई सजेशन है मेरे लिए तो कमेंट करिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, आपके दिल में कुछ बात आई है कि वाओ ब्यूटीफुल, तो कमेंट में वो ज़रूर बताइएगा, एंकरेजमेंट मिलता है। एडिट करने में बहुत कंटाल आता है, बहुत सारी फुटेजेस मेरे पास पड़ी है बट वो एडिट नहीं कर पाता हूँ। आपके अच्छे कमेंट से मुझे एंकरेजमेंट मिलता है, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो।
ये जो इनोवा गाड़ी आ रही है ये चंद्रताल का रास्ता है एंड हम लोग अभी थक गए हैं, 4:30 बज गए हैं एंड हमें कोई सेफ जगह चाहिए थी जहाँ रुकने के लिए, हमें कोई अच्छी वार्म जगह चाहिए थी। चंद्रताल में सुना है सिर्फ टेंट्स है एंड एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें टेंट में ही रुकना पड़ा था, बट चंद्रताल जाने का उस टाइम पे कोई मूड नहीं था, हमारे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए थे, डायरेक्ट इंजन को हम लोग छू रहे थे, पर फिर भी इतनी ठंड मतलब गर्मी नहीं मिल रही थी जो गर्मी चाहिए थी। तो सोचा अब चलो अब आगे ही चलते हैं, चंद्रताल नहीं जाना है अभी, चंद्रताल हमने रहने दिया है किसी और ट्रिप के लिए। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमारे हैंड ग्लव्स को हमने गीला कर दिया था। एक्चुअली हमें ये लगा था कि ये गीले नहीं होंगे बर्फ़ से, बट बिल्कुल गीले हो गए थे एंड उसके बाद तो भगवान ही हमारा मालिक था, बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे हाथ हमारे। जैसे तैसे करके हम लोग चाची के ढाबे पे पहुँचे थे, वहाँ पे जो स्टोव था जो गैस चल रहा था उसके ऊपर ग्लव्स को गर्म किए, क्योंकि एक्स्ट्रा पैर ऑफ जो ग्लव्स थे वो तो विंटर के लिए काम के नहीं थे, ये लेदर ग्लव्स थे हमारे, बट वो गीले हो गए थे यार। फाइनली वी हैव रीच्ड चाचा चाची ढाबा। यहाँ तक आपको वाटर क्रॉसिंग्स नहीं मिलेंगे, जो वाटर क्रॉसिंग्स है 7 या 8 वाटर क्रॉसिंग्स है वो इसके बाद ही शुरू होते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी, कैसे हो? बढ़िया।